तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम खेलने के। तो कैसे आप लोग, अच्छे? मैं भी अच्छा हूँ। अब यहाँ पे हम फिर से एक बार जा रहे हैं उस फुटबॉल वाली जगह पे, क्योंकि पता नहीं क्यों जा रहे हैं, कुछ तो होगा वहाँ पे इसलिए हम जा रहे हैं, है कि नहीं? तुम भी ज्यादा टेंशन मत लो कि भाई क्या कर रहा है, क्यों जा रहा है, ये वो बातें तुम छोड़ दो, वो जिंदगी का कुछ उसमें मतलब नहीं है और मेरी बातों का भी कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसे बड़बड़ा रहा हूँ तो तुम भी ऐसे ही सुन लो मजाक में, ज्यादा सीरियस मत लेना इसको। अब सच बताओ तो इसकी सेंसी बिंसी जो कुछ होता है वो अपन का इधर सेट नहीं है, लेकिन खेलूंगा बहुत ज्यादा तो हो जाएगा अपने आप ही। और अब थोड़ा सा मुद्दे की बात पे आते हैं। पिछले वीडियो में तुम लोगों ने मुझसे कहा था कि भाई तू फुटबॉल बन जा, ये बन जा, तो मैंने कहा कि भाई फुटबॉल तो मेरे को बनना है, इंसान बन के तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहा, तो फुटबॉल ही बन जाते है कि नहीं? वैसे भी मेरे घर वाले मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे, तो मैं फुटबॉल बन के थोड़ा सा उनकी लाते अगर मेरे पे पड़ने लगी तो बाउंस कर जाऊंगा ना, ये इसके पीछे का लॉजिक है। गोचू, अरे अबे अंधा है क्या ये बंदा तो सिर्फ भागे जा रहा है, मैं उसको गोलियां मार रहा हूँ, पलटवार नहीं कर रहा, कुछ नहीं, सिर्फ भागे जा रहा है। उसने बोल्ड के औलाद, अब इसको मैंने जैसे मारा, इनका लोमड़ी की तरह चतुर चालाक चमन चूतिया चूरन खाने वाला बंदा मेरे सामने था और इसको लगा कि मैंने इसको नहीं देखा। बेटा मैंने तेरे को बचपन में ही देख लिया था जब तू नंगा घूमता था, एक उंगली नाक में एक, छोड़ो ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा वो। ये कौन भाग रहा है, बॉट है कि बंदा है? चलो बेटा, अब तुमको लग रहा होगा कि ये बॉट है, लेकिन नहीं भाई लोग, ये रैंकिंग में नंबर वन पे है बीजेएमआई में। हाँ मैं कोरिया खेल रहा हूँ लेकिन फिर भी बीजेएमआई में रैंकिंग में वन है वो। नहीं, जाके देखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया ना, मेरे पे भरोसा नहीं क्या तुमको? भाई इतने खतरनाक लोग कहाँ से आ रहे हैं मेरी लॉबी में? ये देखो, ये अभी जो मैंने पीछे मारा ना टोपी वाला, भाई उससे खतरनाक बंदा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। हम उठाने दो थोड़ी। अब मेरे सामने एक दो बंदे थे जिनमें से एक बंदे ने मेरे टीममेट को नॉकआउट कर दिया, तो यहाँ पे अपनी बारी है। चलो बेटा, अरे यार बच गया साला, लेकिन कब तक बचेगा, इसकी मौत तो मेरे हाथों ही लिखी हुई है। चलो बेटा, अब यार ये देखो, अब ये ऐसे मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल रहे जिसने डायनासोर के दांत लगाए हुए हैं, तो तुम सोचो कि कितना खतरनाक मगरमच्छ बन गया हूँ मैं अब। खैर ये तो बकचोदी की बात है और वही इस वीडियो का मकसद भी है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये अचानक से केआर क्यों खेल रहा हूँ, है कि नहीं? यही सोच रहे हो ना तुम लोग? अबे चोटिया है क्या, हम क्यों सोचेंगे? नहीं सोच रहे? नहीं, तुम सोच रहे हो, तुम्हें नहीं पता लेकिन तुम सोच रहे हो, और नहीं सोच रहे फिर भी बताऊंगा। अब क्या है ना, तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये क्यों केआर वगैरह खेल रहा है, इसको कोई काम धंधा नहीं है क्या? तो बात कुछ ऐसी। अबे वो कागज का टुकड़ा किधर है, स्क्रिप्ट का? हाँ, अब क्या है ना गाइस, उधर चल रही थी बहुत ज्यादा कैंपिंग जो कि हर तरफ चलती है, तो मैंने सोचा कि भाई इसमें तो बिल्कुल भी कैंपिंग नहीं करता कोई भी, यहाँ पे सब ईमानदारी से खेलते हैं, अगर यहाँ पे कोई कैंपिंग करते हुए दिखा तो मेरी मूछ। तो तुम मेरी मूछों को कुछ भी मत करना, बहन का लसन। अरे क्या करूं मैं इन लोगों का, एक आम आदमी अगर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। चलो शुक्रवार है कि मैं यहाँ पे बच गया, और अब चलते हैं आगे। अब मेरे को फुटबॉल बनना है, लेकिन गरीबी का आलम ऐसा है कि हमें खुद भी नहीं पता कि कैसे बनते हैं फुटबॉल। अरे भाई लोग कैसे बनते हैं फुटबॉल बताओ यार, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैं नहीं बताऊंगा भाई लोग, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, मुझे बताओ फुटबॉल कैसे बनते। अच्छा, अबे बन गया। पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में, पंछी बनू हगता फिरू मस्त शर्ट पे, आज मैं बन गया फुटबॉल। खैर ये टाइम पास करते बन और चलते हैं आगे। उधर हमारे टीममेट को हमारे टीममेट की जरूरत, क्या बोल रहा हूँ, हमारे टीममेट को हमारी जरूरत, तो जाना पड़ेगा कि नहीं? मैं उसको बचाने के लिए नहीं जा रहा, उसने कहा था कि उसके पास प्लेयर है और वो अभी मरने वाला है, तो प्लेयर किसकी होगी? उस एनिमी की होगी ना, मेरी थोड़ी ना होगी, तो उसको मार के मैं प्लेयर लूंगा। चलो भाई, अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, तभी मुझे एक भटकता हुआ मुसाफिर दिखता है जो कि अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी चमड़ी उधेड़ दी। बस अब मेरा टीममेट उस बंदे से नॉकआउट हो जाता है
और उसके सामने एक्टिंग करने की कोशिश करता है कि भाई रैंक पुश कर रहा हूँ यार, छोड़ दे तेरे पैर पड़ता हूँ, -60 ब्रो, प्लीज डोंट किल मी। लेकिन वो बंदा बहुत ही पत्थर दिल था तो वो बंदा मेरे टीममेट को मार देता है। लेकिन अब बारी मेरी थी, मतलब उसको मारने की मेरी बारी थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी घोंचूगिरी हो जाती है। ये देखो, अबे यार रिलोड आ गया भाई, रिलोड आ गया, मम्मी कसम बोल रहा हूँ। तो मैं फटाफट से रिकॉल होके फिर से यहाँ पे कूद जाता हूँ और मुझे फुटबॉल का बैग मिला था, तो मैं फुटबॉल होके यहाँ पे इधर उधर घूम रहा था, मतलब कि गेडिया मार रहा था, बोले तो चकरा मार रहा था। तभी मुझे दिखती है एक गाड़ी और इन बंदों से बदनसीब कोई नहीं था। चलो बड़ा बोलो भारत माता की जय। बस ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया भाई। सारे बेचारों के ऊपर, नूबड़ों के ऊपर अत्याचार किया है आपने। ये बेचारे मस्त घूम रहे थे। अब इनको मैंने जैसे मारा, वहां सामने की तरफ एक गाड़ी आ चुकी थी, तो मैं यहाँ पे सोच में पड़ गया कि भाई उनको मारूँ तो मारूँ कैसे। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि तेज तेज भाग के हम वहाँ पे जा सकते हैं, फुटबॉल बन के भी अपन जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सोच ही रहा था कि तभी ये सामने जो गाड़ी आई थी ना, उन लोगों ने मेरी टीममेट को मार दिया और ये बंदे मेरे पे भी रश कर रहे थे, तो करने दो। अब मैं यहाँ पे मगरमच्छ की तरह घात लगा के बैठा हुआ था कि भाई जैसे ही कोई आएगा उसको मैं पानी भी नहीं मांगने दूंगा। ये कमेंट में कौन लिख रहा है कैंपिंग कर रहा हूँ, इधर पहले रितेश देशमुख जैसी आवाज हो गई मेरी। चलो बड़ा तुम भी बस। अब उधर से निकल के मैं सीधा आता हूँ स्क्वाड हाउस। क्या? अब उधर से निकल के मैं सीधा स्क्वाड हाउस पे आता हूँ और मुझे पता था कि यहाँ पे कोई ना कोई आएगा ही और यहाँ पे आते भी बंदे, लेकिन यार जोन यहाँ से शिफ्ट होके आगे की तरफ चला गया तो हर कोई जोन में जाने वाला था और वो लोग जोन में जाने के लिए काफी हद तक कामयाब हो भी जाते, बस एक बंदे की किस्मत काफी खराब थी, अन्याय हुआ बेचारे के साथ। अब इस बंदे को मैंने जैसे गिराया, इसके टीममेट तुरंत गाड़ी उठा के भाग गए। उन्होंने भी सोचा होगा कौन मेहनत करे, स्मोक करे, गाड़ी लगाए। तो मैं भी ज्यादा सोचता नहीं, उठाता हूँ गाड़ी और निकलता हूँ आगे। अब ये सामने जो स्क्वाड हाउस है ना, उसके अंदर थे दो बंदे और नीचे की तरफ एक बंदा था जो कि मगरमच्छ बनने की कोशिश कर रहा था। एवरीवन वांट टू बिकम मगरमच्छ अंटिल डायनासोर के दांतों वाला मगरमच्छ कम। बे भाई गाड़ी से कुचल दिया यार।
अब इसको मैंने मारा तो मैं खुश हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना खुशी के। अब इस बंदे को गाड़ी से कुचल के मैंने एक छोटा सा खुशी का झोपड़ा बनाया था, ये ऊपर वाले बंदे ने माचिस की तीली डाल के उसको जला दिया। अरे सरल भाषा में बोलो यार। अरे मेरा किल चुरा लिया यार इसने। बहुत गलत किया भाई, बहुत। अब इसने मेरा किल चुरा लिया, इसके बालकनी से 100 साल पहले ही निकल चुका है वो। देखा, गलत गल्ला ना करी। और अब इनका बचा है लास्ट वाला बंदा, जो कि पिलने वाला है बहुत ही बुरा। तुमको क्या लगा मैं गंदा कहूंगा? तो ठीक है यार, गंदा कह देते, उसमें क्या है, गंदा बस। और अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है और यहाँ पे कोई भी बंदा बचा हुआ नहीं है। ये बाजू वाली जो 3 स्टोरी है उसके अंदर कोई भी छुपा हुआ नहीं है, एक सिंगल बंदा भी अगर तुम्हें वहाँ पे मिल जाए तो मेरी मुछ काट दे। अब मैं मेरे टीममेट को बोल बोल के थक गया कि भाई यहाँ पे एक बंदा है, उसके फुटस्टेप मुझे आए थे और ये एक गेम है, इसमें वहम वगैरह कुछ भी नहीं होता। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, अगर तुमको थोड़ा सा भी फुटस्टेप आ गया ना, अगर तुमको थोड़ी सी आहट भी सुनाई दी तो समझ जाना कि वहाँ पे कोई ना कोई बंदा है, क्योंकि यहाँ पे वहम वगैरह कुछ नहीं होता। अपने आप यहाँ पे कोई भी चीज आवाज नहीं करती सिवाय हमारे फैरो भाई के, वो तो 3-4 महीनों से चिल्लाए जा रहा है, उसको मार दो यार, कोई बहुत परेशान करता है वो। अब मैंने इधर नेट फेंका, वो बंदा बच गया। मैंने यहाँ पे नेट फेंका, वो बंदा फिर से बच गया। मैंने यहाँ पे भी नेट फेंका, वो बंदा फिर से भी बच गया। अब मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था खुद पे कि भाई मैंने यहाँ पे फुटस्टेप तो सुने थे और बंदा इधर ही है, लेकिन ये बंदा कहाँ है, एग्जैक्टली कहाँ पे, मर क्यों नहीं रहा? तब तक जोन भी आ चुका था, तो मैंने सोचा कि ठीक यार चलते हैं, क्या ही उखाड़ लेगा ये अपना। अब मैं यहाँ पे निराश हो चुका हूँ और उस बंदे को एक भी नेट नहीं लगा, तो ये बंदा यहाँ पे नहीं है। तो मैं यहाँ पे घोचू की तरह अपनी गर्दन नीचे करके चला जाता हूँ, ऐसा उसे लग रहा होगा। लेकिन बेटा इतना टाइम पास करा है ना, तो तेरे को मारे बिना तो नहीं जाने वाला। और ये देखा, मैंने कहा था ना भाई घोचू है भाई, ये छुपके बैठा था खतरनाक। लेकिन अब आया ना बंदा घर के नीचे। चलो बड़ा घोचू, जमाना हो गया उस घर में, अबे बैठ जा यार, ड्राइविंग का बटन किधर है? चलो भाई। भीगा भीगा ये समा, ऐसे में है तू कहा, तेरे दिल की पुकार है, आजा जिमी जिमी जिमी, आजा आजा आजा। ये देखो अबे बॉडी शॉट कैसे था, कैसे लग जाते हैं भाई मेरे बॉडी शॉट, मेरे तो हेड शॉट भी बॉडी लग जाते हैं। मारते है कसाई मोहल्ला और जाता है कलकत्ता, साला हाथ झंझना जाता है। अब मेरा टीममेट मेरे को कहता है कि उस पेड़ के पीछे एक और है बंदा, मर जा यार, तेरे पैर पड़ता हूँ, एक आध गोली खा लेना, क्या हो जाएगा। ये स्मोक वाला पेड़, स्मोक वाला पेड़। अब कहाँ पे है? चलो बड़ा, नहीं यार कहाँ ये बंदा, ना ना ना, अरे अबे खोचू, इसको भी बॉडी शॉट। अब तो इसका हेड ही दिख रहा था ना, बॉडी लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी ये तो आर्ट है भाई पबजी की। टैप टैप चला रहा है। अबे खोचू, ये ले। अब इस साइड से मैं हूँ और उधर से वो पत्थर वाला बंदा, तो इन लोगों का काम पच्चीस हो जाता है, एक को मैं मारता हूँ, दूसरे को वो बंदा मारता है। और अब बारी है उस बंदे की जो कि फतरे के पीछे छुपा हुआ है। इस बंदे को मैं बहुत ही आराम से मार सकता हूँ, लेकिन मेरी फटके फ्लावर इसलिए हो रही है कि अगर ये मेरे ज्यादा पास आ गया तो उसका नेड इजीली मेरे पास आएगा, क्योंकि हाई ग्राउंड पे वो है मैं नहीं। अगर मैं वहां पे होता और वो बंदा मेरी जगह पे होता तो अब तक इस बंदे का काम 25 हो जाता। लेकिन ये देखो भाई, फतरे पे भी आ गया रे। इसको बंद से फोड़ दो। बच गया, लेकिन अब बहुत हुआ। रेड डॉट से करो, ज्यादा सही रहेगा। पूछा मैंने कुछ? चलो
अब बयाना शेर झाड़ के पीछे और ये देखो क्या होता है। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। ये बंदा क्राउच करने की कोशिश कर रहा होगा तो उसका वो फास्ट फास्ट भागने वाला बटन ही दब गया। चला बड़ा, अरे चला बड़ा, बोलो भारत माता की। बस चलो यार, बहुत सारी जिल्लतें उठाने के बाद आखिरकार फाइनली शेवटी अपना चिकन डिनर हो चुका है, तो थोड़ा सा अवार्ड वगैरह लेते। हाँ इधर अवार्ड फंक्शन है मेरा। ट्रेवो भाई, ट्रेवो भाई, ट्रेवो भाई, ट्रेवो भाई, हमारे प्यारे ट्रेवो भाई, खतरनाक ट्रेवो भाई, चमन चूतिया ट्रेवो बा। क्या क्या बोला तुमने? तो बस यार आज की मजदूरी इधर ही खत्म करता हूँ, मेरा गला बहुत ही दुख रहा है। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। भोसड़ी के सारे गुलाब जामुन खा लिए क्या?